फर्स्ट फ्लटर ऐप यूजिंग चैट जीपीटी। अब एआई की मदद से आप अपना जो मोबाइल ऐप डेवलपमेंट का काम है वो कितना स्पीड अप कर सकते हैं वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके का कुछ लर्निंग ऐप हम आज क्रिएट करेंगे चैट जीपीटी से, ठीक है। हम चैट जीपीटी को एक प्रॉम्प्ट देंगे और उसको बताएंगे कि हमें एक ग्रिड व्यू चाहिए, उस ग्रिड व्यू के अंदर कार्ड्स होने चाहिए, उस कार्ड के अंदर एक इमेज और एक टाइटल होनी चाहिए। इस तरीके से हम एआई मॉडल को क्वेरी डालेंगे कि हमें इस तरीके का ऐप डेवलप करना है। तो इसके लिए आप क्या हमें स्टेप बाय स्टेप मेथड्स बता सकते हैं? अब वो सारा का सारा कोड तो आपको डिस्प्ले कर देगा, पर एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होती है कि ये जो कोड यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है इसमें क्या लिखा हुआ है ये समझ में नहीं आता है बहुत सारे लोगों को जिसका बेसिक क्लियर नहीं है। तो मेक श्योर कि क्लटर सीरीज से रिलेटेड जो भी मैंने यहाँ पे क्रिएट किए वीडियोस, ऑलमोस्ट 14 वीडियोस मैंने कोडजीफाई यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए हैं, उसमें सारा बेसिक्स जो भी आपको लगता है फ्लटर ऐप के लिए वो कवर किया है। उन सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन ही आज हम इस चैट जीपीटी वाले ट्यूटोरियल में करेंगे, ठीक है। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है, कुछ नया आप देखेंगे, कितना फास्ट आप ऐप को क्रिएट कर सकते हैं चैट जीपीटी से। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और मेरे वीडियो को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि कोडिंग से रिलेटेड बेस्ट वीडियोस मैं आपके लिए ट्राई करता हूँ कि इस कोडजीफाई यूट्यूब चैनल पर वो अवेलेबल रहे। तो लाइक सब्सक्राइब तो ज़रूर बनता ही है, ठीक है। और हो सके तो अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर करें ताकि उन्हें भी ये नॉलेज मिल सके। अब गाइस सीधा चलते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं कि किस तरीके से फ्लटर ऐप को डिज़ाइन करें चैट जीपीटी की मदद से, ठीक है। ओके गाइस, तो अब प्रैक्टिकली देखते हैं कि किस तरीके से फ्लटर ऐप को आप चैट जीपीटी की मदद से इजीली क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें मैं सबसे पहले एक चैट जीपीटी का ओपन कर देता हूँ, ठीक है। गूगल पे आपको ये ओपन करना है। अब फर्स्ट टाइम अगर आप ये ओपन कर रहे हैं तो ये लॉगिन साइनअप पूछता है, तो वो लॉगिन प्रोसेस आप कंप्लीट कर लेंगे तो ये चैट विंडो यहाँ पे ओपन हो जाता है, ठीक है। अब हम इसको एक प्रॉम्प्ट देंगे, मैं बोलूँगा क्रिएट अ फ्लटर ऐप स्टेप बाय स्टेप एंड विच कंटेंस, हमको उसमें एक ग्रिड व्यू ओपन करना है, ठीक है। तो हम बोलेंगे विच कंटेंस ग्रिड व्यू एंड इनसाइड ईच ग्रिड व्यू कार्ड एड वन टाइटल एंड वन इमेज इन कॉलम, ओके। सो ये वाली कमांड मैंने इसको दी। अब देखते हैं कि ये किस तरीके से ऐप को हमको क्रिएट करके देता है। अब सबसे पहले स्टेप वन वो बोल रहा है कि सेट अप अ न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट, ठीक है। अगर आपको ये नहीं पता है कि किस तरीके से फ्लटर को इंस्टॉल करते हैं तो आप मेरा फर्स्ट एपिसोड इस सीरीज़ का देख सकते हैं, जिसमें मैंने कम्प्लीट गाइड किया है कि फ्लटर को आप किस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। और सेकेंड चीज़ आपको लगती है विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर, ये मैंडेटरी है, ये स्टेप आपको फॉलो करना है, ठीक है। सेकेंड आपको ओपन करना है main.dart फाइल, ठीक है। अब सबसे पहले फ्लटर प्रोजेक्ट को हमको क्रिएट करना पड़ेगा, राइट। तो उसके लिए मैं एक काम करता हूँ, ओके। तो अब मैं डाउनलोड्स फोल्डर में आ गया, ठीक है। इसके अंदर मैं एक कमांड देता हूँ फ्लटर क्रिएट ग्रिड व्यू ऐप, तो ये हमारे लिए जितने भी प्रोसेस है वो यहाँ पे कंप्लीट कर देगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम हमारा विजुअल स्टूडियो ओपन करेंगे और जो प्रोजेक्ट मैंने क्रिएट किया उसको यहाँ पे मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे वो कुछ यहाँ पे एग्जीक्यूटेबल्स बोलेगा, ठीक है। तो pubspec.yml में आपको आना है और यहाँ से आपको ये वाला बटन क्लिक करना है जिसका नाम है गेट पैकेजेस, ठीक है। तो जो भी पैकेजेस लगेंगे वो यहाँ पे ऐड कर देगा। अब आप देख सकते हैं कि ओपन main.dart एंड रिमूव द डिफ़ॉल्ट कोड, और जो भी ये कोड दे रहा है उसको यहाँ पे डाल दो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये कोड को कॉपी कर दिया और मैं जाऊँगा lib में main.dart में, और ये जो भी डिफ़ॉल्ट कोड है इसको रिमूव करके माई ग्रिड व्यू, ठीक है। अब ये वाली क्लास यहाँ पे क्रिएटेड नहीं है, तो हमको यहाँ पे एक lib में जाके न्यू फाइल आप कर सकते हैं, और उसको मैं नाम दे दूंगा, फाइल का नेम उसने बोला है माई ग्रिड व्यू डॉट डार्ट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे न्यू फाइल क्रिएट करूँगा माई ग्रिड व्यू डॉट डार्ट, ये हो गया हमारा कोड। अब नेक्स्ट चीज ये हमें लगेगी ग्रिड व्यू की कोड, यहाँ पे मैंने डाल दी, ठीक है। और यहाँ पे आपको वो क्लास ऐड करनी पड़ेगी, तो क्या करना है, इस पर डबल क्लिक करेंगे, इस बल्ब पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इम्पोर्ट लाइब्रेरी, यहाँ पे वो इम्पोर्ट कर देगा, ठीक है।
अब आपको इमेजेस दिखानी है तो इमेजेस भी लगेगी, राइट। तो इमेजेस के लिए हम यूज़ करेंगे एसेट्स फोल्डर, ओके। तो ओपन द पर्स्पेक डॉट वाई एम एल फाइल एंड एड द फॉलोइंग लाइन्स इंक्लूड द एसेट्स इन योर प्रोजेक्ट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पर्स्पेक डॉट वाई एम एल में आ जाएंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे एसेट्स, ओके। इसको मैं यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। अभी के लिए इसको हमने अनकमेंट कर दिया एसेट्स को। अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, रन द ऐप। अब इसको टर्मिनल में हम आएंगे, ठीक है, न्यू टर्मिनल करेंगे, क्या है, इसको क्लोज कर देंगे और टर्मिनल में मैं यहाँ पे लिखूँगा फ्लटर रन। अब हमारे पास दो ऑप्शन है इसको रन करने के, क्योंकि हमारे पास कोई फिज़िकल डिवाइस या एम्यूलेटर नहीं है। अगर आप एंड्रॉयड स्टूडियो यूज़ करते हैं तो उसमें आपको डायरेक्ट एम्यूलेटर मिल जाता है, राइट। अभी हम क्रोम यूज़ करेंगे जिसमें ये क्रोम ब्राउज़र में ऐप को रन करेगा। यही ऐप आप एंड्रॉयड और iOS में भी रन कर सकते हैं या फिर macOS में। तो चैट जीपीटी का यही एडवांटेज है कि आपका जो डेवलपमेंट फेज़ है ना वो फास्ट हो जाता है। बस आपको ये सीखना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ उससे हमें मांगनी है, ठीक है। अब ग्रिड व्यू का कोड तो उसने हमें दे दिया, बट इस कोड के अंदर क्या लिखा हुआ है वो आपको समझना पड़ेगा। वही मैंने इस सीरीज़ में पूरा एक्सप्लेन किया है। अगर आप यहाँ पे सर्च करेंगे YouTube पे, ओके, यहाँ पे आप सर्च करेंगे कोडजीफाई। अगर आप यहाँ पे सर्च करेंगे ना कोडजीफाई, तो फ्लटर से रिलेटेड पूरी सीरीज़, यहाँ पे 14 एपिसोड अभी हमने कंप्लीट किए हैं, तो आप ये पूरी की पूरी सीरीज़ यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो इससे आपको एडवांटेज क्या होगा कि क्या चीज़ें इसमें लिखी हुई है वो आपको समझ में आने लगेगी, ठीक है। तो ये स्टेप आप ज़रूर फॉलो करें और उसके बाद में ही आप ये चैट जीपीटी का यूज़ करें। अब हम क्या करते हैं कि जो ये ऐप रन हुआ ना, इसमें ग्रिड व्यू तो हमारे आ गए, बट यहाँ पे इमेज नहीं लोड हुई, राइट। यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे, ओके, यहाँ पे न्यू फोल्डर में करता हूँ और यहाँ पे मैं दे देता हूँ एसेट्स। अब इस एसेट्स में मेरे पास इमेजेस ऑलरेडी है तो मैं वही इमेजेस यूज़ करूँगा। ये हमारा एसेट्स का फोल्डर, ठीक है। ये सारी इमेजेस मैं एसेट्स में ऐड कर देता हूँ, ठीक है। अब हमें यहाँ पे पाथ चेंज करने पड़ेंगे। जैसे आइटम वन को मैं यहाँ पे दे देता हूँ सी प्रोग्रामिंग, ठीक है, सिंपल इसको नाम दे देंगे बेसिक सी प्रोग्रामिंग। और एसेट्स में हमें ये नाम दिया हुआ है सी डॉट पी एन जी, वैसे ही मैं इसको दे दूँगा सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग। और आइटम टू हम दे देंगे, इसको मैं सी डॉक्यूमेंट कर देता हूँ, लाइक दिस। अब इसमें आपको कितने आइटम चाहिए वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने और 3-4 आइटम में ऐड कर देता हूँ ताकि थोड़ा फ्लेक्सिबल लगे वो, ठीक है। यहाँ पे मैं फ्लटर दे देता हूँ और एसेट्स में आप दे सकते हैं फ्लटर नाम से कोई इमेज है क्या, फ्लटर इमेज, ठीक है। वैसे ही एंगुलर के लिए हम देखेंगे एंगुलर डॉट पी एन जी। जावास्क्रिप्ट के लिए हमारे पास है जावास्क्रिप्ट डॉट पी एन जी, ठीक है, मैं वही यूज़ कर रहा हूँ अभी, ओके। अब इसको यहाँ पे कम, अब आप यहाँ पे टर्मिनल में आके आर करेंगे तो वो ऑटोमेटिक यहाँ पे रीलोड हो जाएगा। अब इमेज फिर भी रीलोड नहीं हुई, इमेजेस फिर भी यहाँ पे लोड नहीं हुई है, तो ऐसा क्यों हो रहा है। अब हम किस में हैं वो आपको समझना पड़ेगा। जैसे हम लिब में हैं, ठीक है, और हमने एसेट्स फोल्डर बोला है कि लिब के अंदर ही है, तो वो उसको लेगा नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि उसको बताना पड़ेगा कि मैं किस पाथ पे हूँ। तो आपको लिब फोल्डर के बाहर आके उसको बताना पड़ेगा कि एसेट्स फोल्डर यहाँ पर है। तो इस तरीके से आप उसको पाथ को चेंज कर सकते हैं, ओके। इसको मैं रीलोड कर देता हूँ, फर्स्ट इमेज नहीं आई, इसको भी कर देते हैं, ओके। तो ये देख सकते हैं कि आप ग्रिड व्यू कैसे यहाँ पे हो गया, ठीक है। मुझे ना एक रो में 3 आइटम चाहिए, तो मैं यहाँ पे बोलूँगा 3। तो इस तरीके से उसने हमको ये 3 आइटम एक इसमें दे दिए। अब क्या होना कि ये जो इमेज का हाइट और विड्थ है ना, आप एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे इमेज यहाँ पे मैं उसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, तो वो थोड़ी चीज़ें यहाँ पे प्रॉपर हो जाएगी, राइट।
और अब मुझे अगर सपोज़ ये डिबग बैनर हटाना है और यहाँ पे कलर चेंज करना है, तो मैं आ जाऊँगा अपने मेन डॉट डार्ट में और मैं उसको लिखूँगा डिबग शो चेक्ड बैनर एज फॉल्स। ठीक है, अब इसका कलर आपको चेंज करना है तो आपको आना है यहाँ पे। ओके, अब इसमें हम इसको बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, अब जो कलर आपको चाहिए। अगर सपोज़ मैं यहाँ पे ब्लैक दे देता हूँ तो एडजस्टमेंट्स आप कर सकते हैं यानी इस तरीके से। ठीक है, अब चैट जीपीटी को हम कुछ और टास्क देते हैं कि जैसे यहाँ पे टैब बार ऐड कर दे। ठीक है, यहाँ पे बॉटम नेविगेशन, और उसमें से हर टैब पे कोई ना कोई एक स्क्रीन ओपन होनी चाहिए, तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे इसको। मैं न्यू चैट ओपन कर देता हूँ और उसको मैं ये कोड दे देता हूँ। ठीक है, उसको मैं क्या कर रहा हूँ, ये पूरा कोड दे देता हूँ क्योंकि मैंने एक नया टैब ओपन किया है, ताकि उसके बाद एक रेफरेंस रहे वहाँ पर कि मैं ये कोड यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं उसको एक टास्क देता हूँ कि आई वॉन्ट टू ऐड ग्रिड व्यू, आई वॉन्ट टू ऐड बॉटम नेविगेशन बार नेविगेशन टैब्स विथ नेम। हम नेम दे देंगे कि पहला होम टैब, सेकेंड हम दे देंगे एक नोटिफिकेशन, और थर्ड हम दे देंगे प्रोफाइल। एंड इनसाइड होम टैब ओपन द ग्रिड व्यू कोड, एंड फॉर द रेस्ट ऑफ द टैब्स क्रिएट फाइल्स। ओके, लेट्स सी, एक नेविगेशन टैब हम नीचे ऐड कर देंगे, तो उसके लिए वो क्या बोल रहा है, क्रिएट अ न्यू फाइल कॉल होम स्क्रीन डॉट डाट। अब क्योंकि हमें होम टैब में अगर हमको ये दिखाना है तो हमें ये फाइल क्रिएट करना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं क्रिएट कर देता हूँ होम स्क्रीन डॉट डाट। ओके, और उसमें मैं ये कोड पेस्ट कर दूंगा जिसमें ये ग्रिड व्यू कॉल हो रहा है, राइट। तो होम स्क्रीन डॉट डाट में हम ये करेंगे। ओके, सेकेंड फाइल हमें लगेगी नोटिफिकेशन स्क्रीन, तो नोटिफिकेशन स्क्रीन डॉट डाट हम यहाँ पे ओपन करेंगे और उसके अंदर हम एक टेक्स्ट प्रिंट करेंगे कि नोटिफिकेशन स्क्रीन ये है। ठीक है, सिंपल। और थर्ड स्क्रीन हम क्रिएट करेंगे प्रोफाइल स्क्रीन डॉट डाट, तो लिब में जाके प्रोफाइल स्क्रीन डॉट डाट हम क्रिएट करेंगे और यहाँ से कोड लेंगे और यहाँ पे हम डालेंगे। ठीक है, प्रोफाइल स्क्रीन। अब मेन डॉट डार्ट में बेसिकली हमको चेंज करने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ पर हम ऐड करेंगे बॉटम नेविगेशन स्क्रीन, तो उसमें हम तीन स्क्रीन ऐड कर रहे हैं, होम स्क्रीन, नोटिफिकेशन स्क्रीन और प्रोफाइल स्क्रीन। ओके, इसको मैं बंद कर देता हूँ। ठीक है, अब उसने ये पूरा बॉटम नेविगेशन ऐड किया है, तो उसके लिए कोड को लेते हैं मेन डॉट डार्ट में, इसको डाल सकते हैं लाइक दिस। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे होम, नोटिफिकेशन और प्रोफाइल, हर स्क्रीन के लिए उसने सेपरेट टैब यहाँ पे क्रिएट कर दिया। अब ये जो ऊपर आ रहा है बॉटम नेविगेशन टैब्स, इसको आप रहने दे सकते हैं, माय ग्रिड व्यू को आप रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हमने यहाँ पे एक ऐप बार ऐड किए थे, तो ऐप बार मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ लाइक दिस। अब आप इसको चैट जीपीटी को और टास्क दे सकते हैं, जैसे मैंने उसको एक टास्क दिया कि मेरे लिए इसके क्लिक करने पे, कोई भी कार्ड पे क्लिक करने पे यहाँ पे एक प्लेयर ओपन करो यूट्यूब वीडियो, और उसके नीचे एक लिस्ट व्यू में प्लेलिस्ट ओपन करो, तो उसके लिए भी आप कमांड दे के वो चीज़ें कर सकते हैं। जैसे डिटेल स्क्रीन में आप देख सकते हैं कि यूट्यूब प्लेयर मैंने दिया, ठीक है, उसको लिस्ट व्यू बिल्डर में दिया। अब अगर आप ये क्रोम में रन करेंगे ना, क्रोम ब्राउज़र में, तो आपको ये प्लेयर यहाँ पे वीडियो प्ले नहीं करता है क्योंकि वो बीटा वर्जन में है फ्लटर वेब अभी भी, तो उसकी कुछ कुछ APIs यहाँ पे वर्क नहीं कर रही है। लेकिन यही चीज़ अगर आप एंड्रॉयड स्टूडियो में ओपन करेंगे, ठीक है, तो वहाँ पर ये चीज़ें अच्छे से प्ले हो जाती है।
इसका जो मेन डेमो है मैंने इसके पहले वाले एपिसोड्स में भी दिया है, जहाँ पे हमने वीडियो प्लेयर एग्जैक्टली ऐड किए थे, तो आप वो वीडियो भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको एक बेसिक जो आइडिया है कि फ्लटर ऐप को आप किस तरीके से स्पीड अप कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कितने स्पीड में हमने कोड को डिज़ाइन और डेवलप किया है। सिर्फ एक प्रॉम्प्ट देना है आपको, और यहाँ पे वो ऑटोमेटिक सारा कोड आपको जनरेट करके दे देता है। उसको यूज़ करके आप अपना काम स्पीड अप कर सकते हैं, राइट। बस ये है कि आपको ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी एरर आता है तो आपको वो पता रहना चाहिए कि उस एरर का मतलब क्या है और उसको कैसे रिजॉल्व किया जाता है, राइट। आई होप कि आपको मज़ा आया होगा कि किस तरीके से हमने कोड को फटाफट डेवलप किया और जल्दी से अपना ऐप क्रिएट किया यूजिंग चैट जीपीटी। अब इसी ऐप में आप अपने फीचर्स ऐड कर सकते हैं, जैसे प्रोफाइल स्क्रीन, नोटिफिकेशन स्क्रीन, ये सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से उसमें हैंडल कर सकते हैं। मेरा मेन एम ये था कि मैं आपको प्रॉपर एक गाइडेंस दूँ कि किस तरीके से आप फ्लटर ऐप को चैट जीपीटी में प्रॉम्प्ट्स की मदद से क्रिएट कर सकते हैं। आई होप कि आपको इसमें मज़ा आया होगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं आपको ज़रूर उसका आंसर दूंगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।